जय हिंद दोस्तों, मैं भारत अतिथि पैदल रोबिंग सनोज इस समय उज्जैन में हूँ। उज्जैन महाकाल का जो यहाँ पे महाकाल को बहुत ज़्यादा जैसे एक विश्वनाथ काशी विश्वनाथ में सबसे प्रचलित जो माना जाता है, और 12 ज्योतिर्लिंग में यह एक ज्योतिर्लिंग है। और भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग ज्योतिर् का मतलब होता है प्रकाश, अर्लिंग का मतलब होता है चिन्ह। तो उसी जगह पर मैं आया हूँ महाकाल का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मैं भैया मिले हैं नासिक से, और अंकल जी मिले। आपका नाम क्या? राहुल सासवड़े। आपका? अनिल जाजू। और देखिए, इतना हमको प्यार मिला है महाराष्ट्र में, इतना खुशी हुआ, एक ही साथ घूम भी रहे, और इतना गर्व की बात होता है जब कोई महाराष्ट्र का मिलता है, इतना खुशी होता है, इतना प्यार मिला है। थोड़ा इस उज्जैन के बारे में बता दीजिए। जय महाकाल। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग में से जो है एक है, उसको बोलते हैं उज्जैन, ये महाकाल, महाकालेश्वर। अभी ये जो है, अभी ये उनका पूरा जो है कैरिडोर है, इधर ये सब कैरिडोर। अभी इसकी जो शुरुआत है यहाँ से, बहुत बड़ा, कम से कम 50-60 एकड़ में ये सब पूरा फैला हुआ है पूरा। उधर से इसकी जो शुरुआत है, इधर से हो रही है, ये अपने गणेश जी महाराज इधर से शुरुआत हो रही है। और यहाँ पे जो आकाशे तारक लिंग पताले हाट कैसवरम, इसका मतलब थोड़ा बताइएगा। ये जो बता रहे हैं, जो आकाशे तारक के लिंग पाताले हटकेश्वरम, थोड़ा तेज, जो आकाश में जो शिवजी का जो एक लिंग है, जो उसका जो ऊपर का है, वो उधर उधर वो पाताल में जाते है। वो जो बीच में जो मृत्यु लोग आकाशे पाताले, जो आकाशे तारकम, एक जो भाग ऊपर का जो होता है वो आकाश में है, और दूसरा जो है पाताल में, और हम जो लोग रहते हैं वो मृत्यु लोक में रहते हैं। मृत्यु लोक, देखिए इसका ये जो है, बता रहे थे भैया कि ऊपर वाला आकाश लोक, नीचे वाला पाताल लोक, हम लोग मृत्यु लोक में। तो यह हमको जान के बहुत अच्छा लगा। और उस साइड जाएंगे, देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा गेट बना हुआ है, ये पूरा कैरिडोर है। ये कितना साल हो गया बने हुए? अभी ये उसकी शुरुआत, अभी ये देखो श्री महाकाल लोकस, इसका पूरा लोकार्पण देखिए। 11 अक्टूबर है 2022 को, 22 को प्रधानमंत्री जी इसका, हमारे लाडले नरेंद्र मोदी भाई ने बनाए, और सीएम शिवराज थे, और राज्यपाल मंगू भाई पटेल। और इतना खूबसूरत जगह है, अब हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ, और इतना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा दिखाई देगा। मैं पहली बार इतना अच्छा खूबसूरत जगह देख रहा हूँ। अयोध्या भी जाऊँगा तो इससे भी अच्छा बना होगा, तो वो भी देखने का मौका मिलेगा। तो हम लोग अंदर की तरफ अब चल रहे हैं। जय महाकाल। अभी ये कैरिडोर पूरा कैरिडोर, ये कैरिडोर है, यहाँ से कैरिडोर स्टार्ट हो जाता है, आगे आपको महाकाल का दर्शन भी होगा। और यहाँ पे साइड में आपको भगवान शिव का त्रिशूल और डमरू दिखाई देगा, और यहाँ से कॉरिडोर में आप जा सकते हैं अंदर की तरफ, और देख सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो गाड़ी मुहैया कराया गया, और इसमें कुछ पैसा भी लगता है। पैसा नहीं लगता, वो निःशुल्क है, निःशुल्क। जो बूढ़े लोग रहते हैं, जो वो चल नहीं सकते, उसके लिए, उनके लिए खास सिर्फ बनाया है। आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, फोन करेंगे तो पूरी सुविधा है, आ जाती है गाड़ी आपको लेने के लिए। ऐसा कितने बार आ चुके हैं यहाँ पे? हमारे ये 5 बार, ये पांचवी ट्रिप है हमारे आ रही। देखिए, मैं तो पहली बार आया, और ये भैया 5वीं बार, ये इतना, और इसको क्या बोलते हैं, ये तो
एक कारंजा जल है सब कारंजा। देखिए शंकर जी का यहाँ पे मूर्ति स्थापित सामने से हम लोग चल रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय, फवारा जो है इस समय रात को स्टार्ट होता है और यह देखिए कितना खूबसूरती से दिखाई देता है। हाँ यह वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बोलते रहेगा। रेडी कर लेते वगैरह अब। हाँ तो सब रेडी कर ले, अभी क्या है इसकी बात नहीं कर ली, आवाज तो नहीं करती। तो ये और वाला इसी पे कर रहा है, इसकी आवाज नहीं कोई अपना आवाज नहीं जाता जाएगा। लेकिन कोई चीज ऐसा जो आप कर रहे हैं ऐसे वीडियो बनाते हो इसे लेकर वो इसे भी कर लीजिए ना थोड़ा। अभी सभी बोले तो इधर सब्जी के लिए रहते हैं। हाँ हाँ उधर जाने का बोल हाँ 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 थोड़ा पढ़ पढ़ के बोल लीजिए, क्योंकि जितना आपको नॉलेज हमें पढ़ लेंगे तभी हमें समझ में आएगा। सबसे पहले ज्ञान की जरूरत है, जो जानता है ना उसको। अब शंकर जी का आपको एक डिटेल परफेक्ट इस समय महर्षि अत्रि जो राम जी जब 14 वर्ष के वनवास थे तो उसी समय जो मार्ग दिखाने वाले थे महर्षि अत्रि, और यह है महर्षि अत्रि। देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित किया गया है। ब्रह्मा देव के नेत्र से उत्पन्न हुए ये ब्रह्मा देव के नेत्र से उत्पन्न हाँ। महर्षि अत्रि जो ब्रह्मा जी के नेत्र जिसके नेत्र से उत्पन्न हुए। और यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए एक मिनट। इस समय महर्षि भरद्वाज जो देव गुरु बृहस्पति के पुत्र थे और ऋग्वेद के छठवें मंडल के दृष्टिया से तथा भरद्वाज स्मृति और भरद्वाज संहिता और विमान जो जहाज उस समय पुष्पक विमान होता था उसी के रचयिता थे, इसी के देख के और पुष्पक विमान का निर्माण होता था। हाँ अनुगा यह लीजिएगा करते रहेंगे। खतरनाक बना है सकते यहाँ के माता पार्वती जी गणेश भगवान को और कार्तिक को लेके खड़ी हुई है और उसका एक छोटा सा झलक दिखाया गया एक मूर्ति के रूप में। क्या हो चल रहा है ऊपर उसी को दर्शाया गया था और वो है भगवान शिव और जो रथ से जा रहे थे और त्रिपुरा सुर का वध किया था वो बहुत ज़्यादा वो मचा दिए थे उसको क्या बोलते हैं आतंक मचा दिए थे इसलिए त्रिपुरा सुर का वध करना पड़ा। और तीन थे और तीनों का नाम क्या है एक तो तीनों का नाम तो क्या क्या नाम है
दो का दो, एक जो है वो तारकाक्ष है, तारकाक्ष विदुम्माली, विदुम्माली हाँ, एक ओंकमलेक्ष, और यह तीनों है, तीनों बहुत बड़ा राक्षस और पूरा पताल लोक से लेके सब लोक में स्वर्ग लोक से सभी जगह आतंक मचा हाहाकार मचा दिया और उसके बाद वध करना पड़ा। और इतना खूबसूरत यह बनाया गया है, इतना अच्छा लग रहा है। उस समय गणपति जी का मूर्तियां है, और अभी हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, आप लोग को मिलवाते चलेंगे जहाँ जहाँ भगवान शिव की मूर्तियां स्थापित हुआ है उस जगह पर हम लोग चलेंगे। जो हिंदू ग्रंथ में जो नौ ग्रह है, और नौ ग्रह जैसे सूर्य शुक्र मंगल, सूर्य नहीं, नहीं नहीं, सूर्य और चंद्रमा ये नौ ग्रह में नहीं आते। हाँ। वो तो सब ग्रह उनके देव है, तो ग्रह माना ही जाता नहीं, वो सूर्य को तो ग्रह माना ही नहीं जाता नहीं है, वो सब मंगल बुध शुक्र। देखिए इस समय नौ ग्रह के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, वो श्री कृष्ण भगवान है ना, वो श्री कृष्ण भगवान जो बीच में, शंकर भगवान नहीं है, श्री कृष्ण भगवान कौन है वो? नौ ग्रह में कौन कौन से हैं ग्रह? देखिए ये ऊपर लिखा है ना, नौ ग्रह में क्या वो कौन सा था वो आप? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि शनि राहु केतु, राहु केतु और नौ ग्रह है। देख सकते हैं अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसको बंद किया गया क्योंकि जाके लोग बैठना भी शुरू कर देते हैं, इधर गंदगी फैला देते इसलिए बंद हुआ है। भगवान कार्तिक के और जो भगवान शिव के पुत्र थे गणेश और कार्तिक के, और उन्हीं का एक स्टैचू बना हुआ है, और यह है जो तालाब बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ तालाब। ये भगवान शिव दक्ष का वध कर रहे हैं, और देख सकते हैं कितना वीरभद्र भगवान दक्ष का वध कर रहे हैं, सॉरी। और इधर इंग्लिश में लिखा हुआ बाय द ग्रेंस ऑफ द शिवा ब्रह्मा इवोल्यूटेड द यूनिवर्स फॉर द एक्सटेंशन, शिवाजी के अनुग्रह से ब्रह्मा द्वार सृष्टि के विस्तार में शिव स्वयं आविर्भूत हुए, और यह कथा शिव पुराणों की, शिव पुराण से लिया गया है कथा को। यह भगवान काल भैरव और रुद्र अवतार में माना जाता है, और यह है इनका सवारी कुत्ता, देशभक्त, और यह भगवान रुद्र जो काल भैरव के रूप में अवतार लिए थे। काल भैरव को कई जगह, यहाँ पे एक मंदिर है वहाँ पे शराब चढ़ाया जाता है काल भैरव को, और काल भैरव को जैसे घर का देवता माना जाता है, जो हर जगह नहीं माना जाता, कुल देवी के रूप में कई जगह माना जाता है कुल देवता। भगवान शिव का यह अवतार है, और शेर है, माता नंदी है जो भगवान शिव की सवारी नंदी, और यह शेर भी हुआ करते, अलग अलग अवतारों में अलग 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 सवारी भोलेनाथ की थी, और यह भगवान भोलेनाथ की सवारी। भगवान शिव की जब बारात निकली थी तो वह बारात है साज बाजे के साथ, एक मिनट मैं थोड़ा, भगवान शिव की जब बारात निकली थी तो कैसे निकले थे? ऐसी उनकी बहुत अद्भुत नजारा है, वो बड़े भाव से सब लोग, सब देवता उनको लेके जा रहे थे बारात नहीं के। हाँ, जैसे बारात नहीं निकल रहा था उसमें क्या होता, तो थोड़ी अखे का वो थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा उसके बारे में बताइएगा, वो बहुत जो आए वो बहुत है वो। देखो अभी आगे की तरफ जाऊंगा, थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हूँ, और थोड़ा दूरी पे हूँ, आगे की तरफ चल रहा हूँ तब दिखा रहा हूँ।
के लिए। लेकिन इधर एक मेरा फोटो ले दशानंद रावण चलो हंसो लीन माँ दुर्गा लास्ट टाइम चला है।